Hello everyone, welcome again into the online classes. Today in this lesson I am solving the miscellaneous exercise of the chapter number 1st, which is based on sets theory. This is the second part of the miscellaneous exercise, because in the first lesson we discussed question number 1st, 2nd and 3rd. Now I am starting from the question number 4th. The statement of the question is, some conditions are given. Show that the following four conditions are equivalent. So the given conditions are, A is subset of B. Second condition is, A minus B is equals to 5. Third condition is, A union B is equals to B. And fourth condition, A intersection B is equals to A. What we have to do for this question, हमें actual में करना क्या है, हमें ये बताना है कि ये सभी हर एक means ये जो चारों जो step हैं या ये जो सभी conditions हैं, ये कंडीशन एक ही कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है. मतलब कि यदि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये वाला स्टेटमेंट होगा, ये स्टेटमेंट होगा तो ये होगा. मीन्स ये सभी एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है. आप देखो, कभी कभी हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए एग्जांपल्स यूज़ करते हैं, और कभी हम जो डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है उसको भी फॉलो कर सकते हैं. सो एट दिस सिचुएशन आई एम सॉल्विंग दिस विदाउट एनी एग्जाम्पल डायरेक्टली. देखो, आप एग्जाम्पल से सोल्व करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो. मीन्स मैं पहले इन दोनों कंडीशन को ले रहा हूँ कि यदि ये होगा तो ये होना चाहिए, या फिर ये हो तो ये, फिर ये होना चाहिए. तो पहले मैं ले रहा हूँ कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन फोर्थ. मैं फर्स्ट और फोर्थ को इक्विवेलेंट या सेकेंड ले लेता हूँ. चलो, सभी करनी है तो फर्स्ट सेकेंड कर लेते हैं. फर्स्ट और सेकेंड को सिंप्लीफाई करेंगे. यदि ये होगा तो ये होना चाहिए, या फिर यदि ये है तो किसी पर्टिकुलर सेट के लिए ये भी होना चाहिए. आप देखो, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 दे रखा आपके पास. a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, देखो मैं लैंग्वेज में लिखता हूँ, x इज एन एलिमेंट exist in A, exist in A, but and also exist in B. ध्यान देना, हमें a माइनस बी क्या चाहिए, रिजल्ट 5 चाहिए. तो इसका मतलब ये होगा कि a कोई, मैंने ये लिया 1 2 3, ठीक है, और b मैंने लिया, मान लो कि मैंने 3 4 5 ये ले लिया. तो a माइनस बी क्या बचेगा, a माइनस बी आपके पास आएगा 1, 2, मीन्स विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 5. लेकिन हमें क्या चाहिए, बट वी नीड इट शुड बी इक्वल टू 5. तो 5 के इक्वल करना हो तो ये सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए थे. तो b ये होता 1 2 3, आगे कुछ भी हो जाए, मीन्स a के सभी एलिमेंट क्या हो, b में एग्जिस्ट करते, तो फिर a माइनस बी आपके पास क्या बचता, 5 बचता. इसी सिचुएशन देखो, 1 2 3 1 2 3 हट जाएंगे, रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा. तो मैंने लिखा, ऑक्सीजन एलिमेंट एग्जिस्ट इन b एंड एग्जिस्ट इन ए एंड ऑल्सो एग्जिस्ट इन बी. तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है. बात समझ में आई? तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से कि अक्स किस में बिलोंग करता है, अक्स ए में बिलोंग करता है. सो अक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, या फिर यहां से ले लेता हूं, लेट अक्स बिलोंग्स टू. तो यहां से ये हुआ, अक्स इज एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन ए, और कंडीशन दे रखी है a माइनस बी इज इक्वल टू 5, देन इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन बी. तो हम ये बोल सकते हैं शायद अक्स बी में भी एग्जिस्ट करेगा, जो मैंने अभी रिसेंटली आपको एक्सप्लेन किया एक एग्जाम्पल से.
अब देखो ये था अपना a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड b इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो यहाँ मैं x इसको मान लूँ, इसको मान लूँ, इसको मान लूँ, तो x बिलोंग्स टू a, सो x एग्जिस्ट इन a, ठीक है यहाँ तक, और x ऑल्सो एग्जिस्ट इन b, दिख रहा है ना साफ साफ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या a इज सबसेट ऑफ b, ए बी का सबसेट ही तो हुआ, तो यहां से अपन बोल सकते हैं सो देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी अपने को प्रूव करना, तो हम ये लेके चलेंगे और हम ये प्रूव करते हैं, तो यहां से ये अपन बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। अब देखो ये हुआ अपना फर्स्ट एंड सेकेंड, अब चलते हैं फर्स्ट एंड थर्ड पे, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड के बारे में देखो, आपने को देखा ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी, ए यूनियन लेट, मैं यू मान लेता हूं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए हो रहा है, ठीक है, एक्स को एलिमेंट है जो ए में बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग्स टू ए मैंने ले लिया और हमें कंडीशन दे रखी है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। इसका क्या मतलब हुआ, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी, ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो ए मैंने ये लिया 1, 2, 3 और बी मैंने लिया 1, 2, 3, 4 ये ले लिया, ठीक है बात यहाँ तक। अब या फिर इसमें मैं इतना ले लेता हूँ 1, 2, 3, 1, 2, 4 ले लिया एक बार समझने के लिए। अब ए यूनियन बी कितना आएगा, ए यूनियन बी कितना आएगा 1, 2, 3, 4 और ये क्या है कि अलग से ही अपने आप में सेट है, मींस विच इज नॉट इक्वल्स टू बी, इस कंडीशन के हिसाब से हमें किसके इक्वल लेना, बी के इक्वल। तो यदि मैं यहाँ पे 3 और इंसर्ट कर दूँ तो अब अपने पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और इसका क्या मतलब हुआ, विच इज इक्वल्स टू बी हुआ। अब देखो यहाँ से ध्यान देने की बात ये है कि अक्स मैंने कोई एलिमेंट लिया जो ए में बिलोंग करता है, कर रहा है, तो ये एलिमेंट अक्स ये डेफिनेटली बी में भी बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि अक्स इंटरसेक्शन अक्स बिलोंग्स टू ए, तो ये इसके यूनियन में भी तो बिलोंग करेगा, समझ गए, ए में बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन ए में बिलोंग करे या फिर बी में बिलोंग करे, दोनों कंडीशन में वो ए यूनियन बी में तो डेफिनेटली होगा। अब ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी अपने पास क्या दे रखा है, बी दे रखा है, तो मैं इसकी जगह बी अप्लाई कर सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू बी, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो अपन यहां से लिख सकते हैं सो एक्स बिलोंग्स टू बी ऑल्सो या फिर ए यूनियन बी ऑल्सो एंड फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, बात क्लियर है या फिर नहीं है, एक्स इसमें बिलोंग कर गया बी में बिलोंग कर गया। अभी रिसेंटली मैंने समझाया कि हम ये लेके चले और ये प्रूव करते तो हम ये बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब देखो अपन नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं, आई होप सो यू अंडरस्टूड बोथ ऑफ द पार्ट्स। थर्ड पार्ट की बात करें, फर्स्ट एंड थर्ड हो गया, लास्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ की बात करें तो ए इज अ सबसेट, मैं मान लेता हूँ लेट ए बिलोंग्स टू सॉरी एक्स एनी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए, ए में बिलोंग कर रहा है। अब ए में बिलोंग करेगा, ध्यान देना हमें क्या करना है, बट हमें कंडीशन क्या दे रखी है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए ये दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए। ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात यहाँ पे ये रहेगी कि अक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो क्या वो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेगा या फिर नहीं करेगा, ये कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, क्योंकि ये रिजल्ट ये तभी बिलोंग करेगा जब ये इन दोनों में बिलोंग कर रहे हैं, बात समझ में आई। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या दे रखा, हमें ए दे रखा है,
तो ए की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, अक्स ए में बिलोंग कर रहा है, अक्स बिलोंग्स टू ए, और ए किसके इक्वल है, बट ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ में आई? और ए इंटरसेक्शन बी देखो, मान लो मैंने कोई ए सेट लिया 1 2 3, ठीक है, बी मैंने कोई सेट लिया 1 2 4, ये लिया, कोई बात नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 2 आएगा, बट विच इज नॉट इक्वल्स टू ए। हमें किसके इक्वल चाहिए था, ए के इक्वल चाहिए था। ए के इक्वल आने के लिए यहाँ पर एटलीस्ट 3 होना चाहिए था। अब ये रिजल्ट क्या देगा, 3। अब ये किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। मतलब कि इस एग्जाम्पल से हमारी जो कंडीशन है ये वाली, ये फुलफिल हो रही है। देखो अक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और अक्स बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर अक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब जो कि किसके इक्वल आया, ए के इक्वल आया। अब ये सभी एलिमेंट, क्या ये सभी एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, देखो ये रहे, तो यहाँ से अपन ये भी तो बोल सकते हैं ना, अक्स बिलोंग्स टू बी ऑल्सो। बात समझ में आई होगी, अक्स बिलोंग्स टू बी, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, वो सेम कंडीशन आ गई, हम अक्स बिलोंग्स टू ए लेके चले थे, अक्स बिलोंग्स टू बी हमने प्रूव कर दिया, तो रिजल्ट में क्या आएगा आपके पास, देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मीन्स क्या हुआ कि ये सभी कंडीशंस एक दूसरे से रिलेटेड है। आई होप सो यू अंडरस्टूड। नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 5th, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, द नाउ स्टार्टिंग द नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, एंड द गिवन स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी होने का मतलब ये हुआ, या तो दोनों इक्वल हैं, हो सकता है, या फिर डेफिनेटली बी वाला जो सेट है वो ए से बड़ा होगा और ए के सभी एलिमेंट्स बी में बिलोंग करते हैं। तो मैं इसके लिए चलिए, और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव C माइनस ए है ना, C माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्मूथ, वैसे स्मूथ तो नहीं है, बात जब समझेंगे तो पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ से पैनल में एक एग्जाम्पल लेता हूँ, वैसे तो नहीं समझ में आएगा, इधर एग्जाम्पल लेता हूँ, इधर इसका प्रूफ करता हूँ। मान लेता हूँ मैं कोई ए कोई सेट मैंने माना, ए इज इक्वल्स टू 1 2, बहुत है इतना। बी मैंने कोई सेट माना 1 2 3, तो पहली कंडीशन अपने पास फुलफिल होती है, लेट ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ। अब देखो मान लेता हूँ मैं अक्स इज एनी एलिमेंट, यू मान लेता हूँ अक्स इज एनी एलिमेंट, यहाँ से लेके चल रहा हूँ, लेट अक्स इज एनी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अक्स इज एनी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बी, और इसी के साथ मैं लेता हूं एंड या फिर ऐसे लेता हूं सी माइनस बी। मैंने कोई एलिमेंट लिया अक्स जो सी माइनस बी जो सेट बनेगा वो उसमें बिलोंग करता है, तो इसको अपन बोल सकते हैं ना, तो अक्स किस में बिलोंग करेगा, अक्स डेफिनेटली बिलोंग करेगा सी में, बट अक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। देखो इसको एक्सप्लेन करता हूं, सी मैंने कोई सेट लिया, फाइव सिक्स सेवन ले लिया, तो सी माइनस बी क्या आएगा, सी माइनस बी आपके पास आएगा 5 6, और एक ये भी ले लिया, 3 भी ले लिया, तो रिजल्ट क्या देगा आपके पास, 5 6 7। अब देखो ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, किसमें, सी में बिलोंग कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन ये सभी एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं कर रहे। यदि बी में बिलोंग करता तो क्या होता, बी में बिलोंग करता तो फिर इसका रिजल्ट क्या आ जाता, 5 आ जाता, मतलब कि कोई एलिमेंट ही नहीं आता। मतलब ये हुआ कि कोई एलिमेंट है वो सी में बिलोंग करता, वही एलिमेंट बी में बिलोंग करता तो रिजल्ट क्या आता, डेफिनेटली 5 आता, लेकिन हमें 5 नहीं चाहिए, हमें कोई रिजल्ट चाहिए,
तो रिजल्ट लाने के लिए हमें बी, लोकल लैंग्वेज में कहें तो बी सेट को हमें सी से थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा। छोटा रखने का मतलब इसके एलिमेंट हमने कुछ डिफरेंट ले लिए, डिफरेंट ले लिए तो इसका मतलब वो सी में बिलोंग कर रहा है तो वो बी में बिलोंग नहीं करेगा। डिफरेंट का मतलब ये तो हुआ कि सी में बिलोंग कर रहा है, वो भी बी में बिलोंग नहीं करेगा। तो अब यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि देखो 3, 5, 6, 7 ये इसमें बिलोंग कर रहे हैं लेकिन 5, 6, 7 ये बी में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। हर एक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, सभी इस, या तो सभी बिलोंग करते हैं या फिर सभी बिलोंग नहीं कर रहे हैं। एक भी यदि अलग हो रहा है तो ये इस केस को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या बात बोली जा रही है, यहाँ से बोला जा रहा है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो ध्यान दो ना, इनमें से कोई भी एलिमेंट इसमें भी तो कहाँ है भाई, अक्स इनकी बात कर रहा हूँ, इनको अक्स मान रहा हूँ, अक्स बिलोंग्स टू ए है, सी है, यहाँ से कि सी में बिलोंग कर रहा है। तो अक्स बी में कहाँ बिलोंग कर रहा है, बी में, देखो बी में कहाँ है, फाइव कहाँ है, इसमें नहीं है, बी में नहीं होगा। तो ए तो बी का सबसेट है तो डेफिनेटली ये ए में भी नहीं करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? सो देयरफॉर अक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए ऑल्सो, अक्स किस में नहीं करेगा, ए में बिलोंग नहीं करेगा। अब ध्यान देना, अक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा। अब C माइनस ए करो, देखें C माइनस ए, C माइनस ए करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 3, 5, 6, 7, 3, 5। और इसके लिए रीजन क्या लिखूं मैं, बिकॉज A इज सबसेट ऑफ B। मैंने C माइनस ए किया तो क्या 3 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 3, 5, 6, 7, 3, 5, 6, 7। तो मैं यहां से देखो, अब इसी, अब नया स्टेटमेंट ले रहा हूँ, सो C माइनस ए आपके पास क्या आएगा, C माइनस ए 3, 5, 6, 7, C माइनस ए कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी। भाई यहाँ तो एग्जांपल नहीं लेके चल रहा हूँ, वरना तो ये यूज़ करते अपन। C माइनस ए आपके पास क्या आया, 3, 5, 6, 7, 3, 5, 6, 7, ये तो आया C माइनस ए। और C माइनस बी क्या था, C माइनस बी ये था। तो देखो ये इसका सबसेट है या फिर नहीं है, 5, 6, 7, 5, 6, 7। तो अपन बोल सकते हैं कि C माइनस बी इज सबसेट ऑफ C माइनस ए। तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ से, C माइनस ए इज ए सबसेट ऑफ C माइनस बी। बात समझ में आ गई होगी, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे, तो ये जो रिजल्ट बचेगा, अक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू सी माइनस बी बोल सकता हूँ ना भाई, जो भी एलिमेंट आया आपका वो सी माइनस ए में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि अपन ने अक्स इन्हीं को तो माना है, अक्स इनको माना है तो सी माइनस ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो हमने ये बोला था यदि हम अक्स बिलोंग्स टू ए लेके चलें और अक्स बिलोंग्स टू बी प्रूव कर दें तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। हमने क्या लिया, अक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, और हमने प्रूव कर दिया सी माइनस बी, ये सॉरी सी माइनस ए होगा, सी माइनस ए का स्टेटमेंट है, और हमने प्रूव कर दिया अक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। तो हम क्या बोल सकते हैं, सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 4th और 5th के सॉल्यूशंस थे, इतना बहुत है, एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।